हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और अभी हम अपनी एम लक्ष्मीकांत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे थे। इसके अंदर अभी हमने इसकी बेसिक पॉइंट्स देखे थे कि कहाँ से कंपनी ने स्टार्ट किया, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई और आने के बाद कैसे उसके पास सिर्फ व्यापारिक मामले थे, फिर उसके बाद दीवानी मामले चले गए और कैसे उसने अपना क्षेत्र का विस्तार कर लिया। इसके अंदर हमने अभी तक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि ये कैसे रेगुलेट कर रही थी भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको रेगुलेट, उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इसके तहत हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाएगा और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। और ऐसे पहले कौन थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाए, वो हमारे लॉर्ड वॉरिंग हेस्टिंग्स से। इसके बाद हमने बात करी थी कि इसके तहत जो मद्रास और बम्बई अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, वो गवर्नर, मतलब कि उनके गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आएंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम केंद्रीयकरण देखने को मिल रहा है, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग होते थे। फिर तीसरे में हमने देखा कि इसी अधिनियम के तहत क्या कहा गया था कि कलकत्ता में, मतलब कि 1773 के अधिनियम के तहत ही 1774 में कलकत्ता में पहली उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और जिसके मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश थे और उन मुख्य न्यायाधीश का नाम लॉर्ड एमपे था, ठीक है। और साथ ही साथ इस अधिनियम में ये भी कह दिया गया कि कर्मचारियों के निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसमें यह भी बोला गया कि ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स, मतलब इनके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी बना दी गई जिसके माध्यम से कंपनी पर कंट्रोल नियंत्रण किया जा सकता था और इसके राजस्व और नागरिक सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिल सकती थी। ये हमने 1773 के अधिनियम के अंतर्गत देखा था। फिर इसके बाद हमने 1781 का संशोधन अधिनियम देखा, अमिटमेंट एक्ट ऑफ 1781। इसके तहत हमें क्या देखने को मिलता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारा 1773 था उसमें जो खामियां थी उसको ठीक करने के लिए 1781 का अमिटमेंट एक्ट आया था, जिसको हम संशोधन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं या फिर हम जिसको एक्ट के नाम से जानते हैं। ये हमारा 1781 जो पारित हुआ इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो स्थायी बंदोबस्त था जो कि लॉर्ड कार्नवालिस के थ्रू दिया गया था। इसके थ्रू क्या था कि गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया, ठीक है। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पदाधिकार के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भी मुक्त कर दिया था, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें देखा था कि राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया था। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए निजी कानून के हिसाब से मुसलमान के बाद यह मामले तय करें, ठीक है। इसके बाद क्या देखा, की गई प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के यहाँ दायरे ना कि सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में आएगी। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। उसके बाद हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा था। इसके अंदर जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया और उसके बाद हमें 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया, जो कंपनी के राजनीतिक मामले थे और जो वाणिज्यिक मामले थे उनका पृथक पृथक कर दिया गया, मतलब कि कंपनी के
इस कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे और जो वाणिज्य के मामले थे, दोनों को अलग कर दिया गया एक दूसरे से। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर किया गया और इसे निदेशन मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन का नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। तो हमने 1773 के एक्ट में क्या देखा था, जो आया था उसमें हमने ये देखा था कि कंपनी के ऊपर, कंपनी के जो व्यवसायिक मामले थे, ठीक है, मतलब जो ट्रेडिंग मामले थे, उनके ऊपर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या किया, जो यहाँ के हमारे कौन से मामले हैं, जो हमारे राजनीतिक मामले हैं, जो हमारे राजनीतिक मामले हैं उनके ऊपर एक बेंच बना दी गई, उसका नाम रख दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहली चीज़ तो इन दोनों का पृथक्करण कर दिया गया, राजनीतिक मामले और व्यवसायिक मामलों को अलग अलग रख दिया गया। ठीक है, और जो हमारे व्यवसायिक मामले थे उसके ऊपर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1773 में ही बन गया, और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो राजनीतिक मामले थे उनके लिए क्या बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, है ना, इसका गठन किया गया। और इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। तो हमने देखा था कि इधर पिट्स इंडिया एक्ट जो हमारा 1784 है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे द्वैत शासन व्यवस्था की गई, एक व्यावसायिक और एक राजनीतिक। और नियंत्रण बोर्ड जो हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला, वो किसके ऊपर बनाया गया था, राजनीतिक मामले। ये क्या करता था, वह ब्रिटिश नियमित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों अधीक्षण और नियंत्रण करते थे। ठीक है, इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण होता था, हमने ये बात कर ली थी। पहला कारण क्या था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार क्या बोला गया, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र बोला गया, मतलब कि भारत को ब्रिटिश ने क्या कर रखा है, अपने कब्जे में कर रखा है। ऐसा कब बोला गया, ये हमारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया, ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा क्या बोला गया कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक है, और इसी पिट्स इंडिया एक्ट के कारण ही द्वैत शासन लागू हुआ था। अब हमें 1784 के पिट्स इंडिया के एक्ट के बाद देखने को मिलता है 1786 का अधिनियम। देखो, अभी तक हमने जिन पर बात करी, एक था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद हमें देखने को मिलता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे हम स्थाई बंदोबस्त बोलते हैं। देन उसके बाद 1784 का हमने पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर ली, और यहाँ पर हमें 1786 का अधिनियम देखने को मिलता है। इसके द्वारा लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, हमारे वॉरिंग हेस्टिंग, लेकिन 1786 के थ्रू लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें और मांगे रखी थी। वो क्या थी, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोल दिया गया था, जो इनके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी, उसके निर्णयों को अधिभावी करने अथवा ना मानने का उसको अधिकार मिले, किसको, लॉर्ड कार्नवालिस को, और उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। इन दो के तहत, इन शर्तों के तहत ही उसे क्या बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब यहाँ पर देखने को मिलता है 1793 का चार्टर कानून। यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे चार्टर कानून, मतलब चार्टर अधिनियम जो एक्ट है वो। तो अभी तक जो हमने देखे थे वो कौन से थे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का हमारा अमिटमेंट एक्ट, जो संशोधन अधिनियम या फिर हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करते हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और 1786 में जो लॉर्ड कार्नवालिस कुछ शर्तों के साथ लागू किया था ये। अब हमें जो इम्पॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, ये पिट्स इंडिया एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके 20 सालों बाद, 1773 के 20 सालों के बाद 1793 में चार्टर अधिनियम लाया गया। इस चार्टर अधिनियम में क्या बोला गया, इसने लॉर्ड कार्नवालिस को दी गई काउंसलिंग के निर्णयों को ऊपर
अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तारित कर दिया। तो अभी तक क्या था, जो लॉर्ड कार्निस वालिस को शक्तियाँ दी गई थी 1786 के कानून के अधीन, जो लॉर्ड कार्निस वालिस को शक्तियाँ दी गई थी वो आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल थे एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर, उनको ये शक्तियाँ दे दी गई 1793 के चार्टर अधिनियम में। फिर इसमें क्या किया, इसमें गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंस की सरकारें के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। ठीक है, इसने भारत का व्यापार के एक अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। यह इम्पॉर्टेंट है, 1793 का पहला चार्टर एक्ट कब आया है, पहली चीज़ तो हमें ये याद रखना है कि पहला चार्टर अधिनियम कब आया, तो वो हमारा 1793 में आया। और इसी चार्टर अधिनियम में 20 सालों के लिए भारत जो एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो एक अधिकार था उसको 20 सालों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। ठीक है, जो कमांडर इन चीफ जो हमने देखा था 1781 की मैं बात करी थी, उनकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, बशर्ते कि उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राज्यों में से ही भुगतान मिलेगा। तो याद रखना, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके ऊपर बनाई गई थी, हमने कहा था कि 1784 में जो पृथकीकरण किया गया था, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामले थे और व्यवसायिक मामले थे उनको अलग किया था। तो देखो, नॉर्मल सी बात है, व्यवसाय मामलों में सबसे ऊपर कौन होता है, डायरेक्टर होता है, तो उनके लिए कौन बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो राजनीतिक मामले थे उसके लिए क्या बनाई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस 1793 के चार्टर के अधिनियम में कह दिया कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई है ना, इसके पैसे कहाँ से जाएंगे, उनके कर्मचारियों के, वो भारतीय राज्यों से ही भुगतान दिया जाएगा। अब यहाँ देखने को मिलता है चार्टर कानून 1813। तो हमने क्या देखा, सबसे पहला कब आया था हमारा 1793, और इसमें अगर हम 20 साल जोड़ देते हैं तो हमें दिखता है 1813 में हमारा दूसरा सेकंड क्या किया, 20 सालों बाद दूसरा चार्टर अधिनियम आया। तो इस कानून में भारत में कंपनी के व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। याद रखना, एक अधिकार, व्यापार एक अधिकार। अब एक बात इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये जो हम एक अधिकार की बात कर रहे हैं ना, व्यापार, देखो इनको एक अधिकार किस किस क्षेत्र में मिल रहे थे, जो इनके एकाधिकार थे ना, इनको दो चीज़ में मिले थे एक तरीके से। अभी मान लो एकाधिकार जब ये आए थे तब किस में था, सिर्फ ये व्यवसाय करने आए थे, है ना, तो इनको व्यापार में एक अधिकार था। लेकिन बाद में जब ये यहाँ पर राजनीति करने लग गए तो उसमें भी एक तरीके से इनका एक अधिकार ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर व्यापार के एक अधिकार को, एकाधिकार को, मतलब अकेला इनका जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि इसको पूर्ण रूप से, हम बोलेंगे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था, क्योंकि भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। देखो हुआ क्या, ये 1813 की बात कर रहे हैं, हमको क्या देखने को मिलता है इस टाइम में कि वहाँ पर भी क्या हो रहा था, जो हमारा 1813 का टाइम था उस टाइम में हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो रही थी ब्रिटिश में। तो औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो वहाँ जो ब्रिटिश सरकार थी उसके ऊपर क्या हो रहा था, दबाव बन रहा था कि भारत जैसी बड़ी जो जहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं उन वहाँ पर हमारे लिए भी क्या मौके खोले जाएं। तो इसलिए क्या करना पड़ा, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त करना पड़ा। और जब इनने समाप्त किया तो यहाँ पे देखो पूर्ण तरीके से 1813 में हमें पूर्ण तरीके से समाप्त नहीं किया गया, क्योंकि इस कानून में चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी को एक अधिकार को बहाल रखा। तो इनका एक अधिकार सबसे पहली बार कब खत्म किया गया, दूसरे चार्टर, सेकंड चार्टर अधिनियम 1813 में, लेकिन पूर्णतः नहीं खत्म किया गया, क्योंकि चाय के ऊपर व्यापार और चीन के ऊपर व्यापार का एक अधिकार किसके पास था, वो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था।
ये चीज़ अगर आपको इम्पॉर्टेंट याद रहेगी कि इस टाइम तक क्या हो रहा था, 1813 में औद्योगिक क्रांति हो रही थी ब्रिटिश में, ठीक है। औद्योगिक क्रांति होगी तो क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो वहाँ की जो कंपनीज होंगी वो क्या करेंगी, ब्रिटिश की सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगी कि हमारे लिए भी भारत जैसी जो बहुत बड़ा बाजार है ट्रेड के लिए वो जगह हमारे लिए भी खोली जाए। तो उन पर जब दबाव आया तो उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था व्यापार के ऊपर उसको समाप्त कर दिया। लेकिन 1813 में क्या देखने को मिला, इसे पूर्ण तरीके से समाप्त नहीं किया, क्योंकि चाय के व्यापार पर और चीन के व्यापार पर एक अधिकार अभी भी इन्हीं पर था। और क्या बोला गया, इस कानून में भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन की राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित कर दिया, ठीक है। तो इस कानून में क्या किया कि कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रवृत्ति को प्रकट और स्थापित कर दिया था। इस कानून में ईसाई मिशनरियों के लिए भारत आगर यहाँ पे प्रचार, प्रभुत्व का मतलब प्रचार करने की अनुमति दे दी। तो ये जो ईसाई मिशनरियाँ थी वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी, वो भी हमारा सेकंड जो चार्टर अधिनियम था जो कि हमारा 1813 में आया है उसके अंतर्गत आया था। इसी के तहत इस कानून में भारत के ब्रिटिश इलाकों में बंदिशों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रसार प्रसार किया गया, और पश्चिमी प्रचार प्रसार जो शिक्षा का प्रसार प्रसार कर दिया गया उसी के तहत 1,00,000 रुपए खर्च करने की बात कही गई वर्ष में, ठीक है। तो ये किस में की गई, ये भी हमारे 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इस कानून में भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों को कर लगाने के लिए अधिकृत किया, कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था की गई कि जो भारत के लोग हैं वो टैक्स देंगे और अगर जो टैक्स नहीं देंगे उन पर दंड दिया जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बात हमारे 1813 के चार्टर के अधिनियम में मिल जाती है। ये जो 1813 का चार्टर है ये सेकंड चार्टर अधिनियम है, ठीक है। तो इस चार्टर में जो हमने बात करी, सबसे पहली हमने क्या कही कि यहाँ पर जो कंपनी का एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्णतः नहीं किया गया, चाय और चीन के व्यापार को खुला रखा था। दूसरी चीज़ हमने क्या बोली कि ब्रिटिश के राजा की प्रभुता को प्रकट किया गया था इसमें। देन उसमें क्या बोला, जो ईसाई मिशनरीज थी उनको धर्म का प्रचार के लिए भारत को अनुमति प्रदान करी, भारत में धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार किया जा सके, अनुमति मिल गई। इस कानून में भारत के ब्रिटिश इलाकों में क्या कर दिया गया, प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई, पश्चिमी शिक्षा की मतलब कि पश्चिमी शिक्षा थी उसका प्रचार, और उसके बेसिस पे 1,00,000 रुपए खर्च करने की भी बात इसी में की गई। और साथ ही साथ ये बोला गया कि भारत के जो स्थानीय सरकारें हैं वो यहाँ की क्या करेंगी, टैक्स भरेंगी, और जो लोग टैक्स नहीं भरेंगे उनको दंड भी दिया जाएगा। अब देखो अब क्या हुआ, सबसे पहले चार्टर अधिनियम कब आया हमारा, 1793, देन उसके बाद कब आया, 1813 में, ठीक है। अब कब आया, इसमें फिर 20 साल जोड़ दो तो 1833, चार्टर अधिनियम आ रहे हैं हर 20 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये आया हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या किया गया, ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। देखो सबसे पहली बात हमने केंद्रीकरण की कब बात करी, जब बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास का गवर्नर आने लग गया, ठीक है, और जो बॉम्बे का गवर्नर आने लग गया। तो पहला केंद्रीकरण कब देखने को मिला था हमें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। दूसरी बार हमें केंद्रीकरण कब देखने को मिल रहा है, 1833 के अधिनियम के तहत, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो ये तो बहुत बड़ा केंद्रीकरण हो गया, सबसे पहले क्या किया था, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, और उसी के अंदर मद्रास कर दिया था, और उसी के अंदर हमने बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी उसी के अंदर कर दी थी। मतलब कि जो मद्रास का गवर्नर था और जो हमारा बॉम्बे का गवर्नर था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर आ रहा था। अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ये कब करा गया, हमारा जो हमारा थर्ड चार्टर अधिनियम है 1833 में आया है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। तो सारी जो नागरिक और सैन्य शक्तियां थी किसके पास, भारत के मतलब इंडिया के गवर्नर जनरल के पास, ठीक है।
इस प्रकार इस अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। तो ब्रिटिश ने कुछ इस तरह नियंत्रण किया कि पूरे भारत पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? ब्रिटिश का था। ठीक है, इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल देखने को मिलते हैं हमको। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, इन दो चीज़ों में कन्फ्यूज मत होना, बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया है? बंगाल का गवर्नर जनरल हमारा 1773 में बनाया गया है, जो हमारे लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग थे। और जो हमने बात करी कि ये जो हमारा भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, ये हमारे 1833 थर्ड चार्टर में बनाए गए। और ऐसे भारत के, इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो वो हमारे विलियम बेंटिंक बने। ठीक है, अब देखो, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायकी संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया, क्योंकि अब मेन कौन आ गया? भारत का गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया, मतलब उनको नियामक कह दिया गया इससे पहले जितने भी आए थे, और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है, तो मतलब इसने, कहने का मतलब है इससे पहले जो आएंगे उनको एक नियामक बोल दिया गया सिर्फ, और इसके बादों को एक्ट और अधिनियम की संज्ञा दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। और अब क्या देखने को मिल रहा है कि जो व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली जो गतिविधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई, मतलब कि अब इनके पास एक अधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया। अब ये सिर्फ क्या रह गई? ये एक प्रशासनिक निकाय रह गई। हमने कहा था 1813 के चार्टर एक्ट में हमने क्या देखा था, इसे पूर्ण तरीके से समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन 1833 में इसको व्यापारिक निकाय के रूप में, वो ये की जाने वाली गतिविधियों को व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से। अब ये सिर्फ क्या रह गई? प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजाशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। अब 1833 का चार्टर एक्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सिविल सेवकों का चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन भी 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के थ्रू की गई थी। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, ये किसके ऊपर बनाया था? कंपनी के व्यापारिक मामलों के ऊपर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, चार्टर जो ब्रिटिश की सरकार एक चार्टर लाई थी 1833, उसके थ्रू क्या बोला गया, सिविल सेवकों के चयन की बात की गई। सबसे पहले किसके थ्रू करी गई है? इसी 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। लेकिन इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने जब विरोध किया तो इसको बंद कर दिया गया। अब यहां पर 1833 के बाद फिर 20 सालों के बाद हमें एक और चार्टर देखने को मिल जाता है, 1853 का चार्टर अधिनियम। और याद रखना चार ही आए थे। ठीक है, वो चार कौन कौन से थे, हमने कौन कौन से देखे? 1793 का चार्टर एक्ट जो पहला था, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद हमने बात कर ली 1833 का चार्टर एक्ट, और फिर 20 साल बाद 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसको क्या किया गया? ब्रिटिश संसद के द्वारा 1853 में ये पारित किया गया। चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था, मतलब ये अंतिम चार्टर था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। अब इस अधिनियम की हम विशेषताएं देख लेते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले क्या बोला, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। देखो, दोबारा से प्रतिकरण हुआ है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका प्रतिकरण क्या किया था? व्यापारिक मामलों में, और किसमें? राजनीतिक मामलों में। अब यहाँ हमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या कर दिया गया कि 1853 का है,
एक्ट चार्टर अधिनियम है उसके तहत पहली बार जो हमारा गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल है, उसकी परिषद के विधायी, ठीक है, एक तो हमारा कौन सा विधायी और जो प्रशासनिक कार्य हैं, ठीक है, प्रशासनिक कार्यों को एकदम अलग कर दिया, प्रशासनिक जो मामले हैं और विधायी मामले उनको अलग किया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए और इन्हें विधान पार्षद कहा गया। अब यहाँ पे 6 पार्षद जोड़ दिए गए जिन्हें 6 विधान पार्षद बोला गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। याद रखना ये जो नई विधान परिषद का गठन हुआ है ये ही आज की विधानसभा है, ठीक है, ये आगे जाके विधानसभा बनेगी। तो ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारा किस में देखने को मिल रहा है, 1853 के चार्टर अधिनियम, जो हमारा लास्ट चार्टर है, चौथा चार्टर है, ठीक है। उसके तहत क्या देखने को मिला, जो 1853 का गवर्नर जनरल था उसके विधायी और प्रशासनिक मामलों को दोनों को पहले तो अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थी उसके हेल्प के लिए एक तरीके ये मान लो क्या कर दिए, 6 विधान परिषद का गठन कर दिया गया जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया है। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया, तो उस टाइम पे ये छोटी संसद की तरह कार्य करता है। अब आगे ये याद रखना, ये बेस है क्योंकि आगे इसी के आधार पे हम बढ़ते जाएंगे। ये 1853 में हमें विधायी परिषद देखने को मिल रही है। अभी इसमें कितने लोग हैं, सिर्फ 6 लोग हैं, इसमें संख्या बढ़ती जाएगी। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्यों के रूप में जाना गया जिसके लिए विशेष मिशनरी और प्रक्रिया की शुरुआत या जरूरत थी। तो देखो सबसे पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए कब बोला गया था, 1833 के चार्टर में, लेकिन तब क्या हुआ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उनके द्वारा इसको खारिज कर दिया गया। लेकिन इसकी चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था इसी के थ्रू आरंभ की गई। इस प्रकार विशिष्ट सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। याद रखना इस मैकाले की वजह ही, ये जो मैकाले थे, मैकाली समिति जिनकी थी, मैकाले थे, इन्होंने ही भारत में पश्चिमी शिक्षा को की नींव रखी थी और इसको बढ़ावा दिया था, ठीक है। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। अब क्या हुआ, कंपनी के शासन, क्योंकि व्यापारिक मामलों को तो सबको ख़त्म कर दिया है और शासन को और विस्तारित कर दिया, ठीक है, कब्जे में अधिकार दे दिया। लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय तक निर्धारण नहीं किया गया। इसमें ये नहीं बोला गया जैसे हर में क्या बोला था कि 20 सालों के लिए इसके उसको बढ़ाया जाता है प्रशासनिक मामलों को या व्यापारिक मामलों को, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं दिया गया। इसमें क्या गया, संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त कर दिया जाएगा। पहले 20 सालों के, हर 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या बोल दिया गया कि किसी भी समय समाप्त कर दिया जाएगा। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। तो याद रखना सबसे पहली बार केंद्रीय विधान परिषद जो बनी है भारत में वो इस 1853 के चार्टर के थ्रू बनी है। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से थे और 6 इसमें नए सदस्य थे, आपको बताया था। 4 का चुनाव कहाँ से किया गया था, बंगाल, मद्रास और बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया गया था। तो ये हमारा हो जाता है 1853 का चार्टर अधिनियम। अब इसके बाद जो हम देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ताज का शासन। अभी तक किसका शासन था, ब्रिटिश से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका शासन था, लेकिन अब ब्रिटिश में जो रानी है वहाँ का जो क्राउन है वो डायरेक्ट शासन करेगा किस पे, इंडिया पर, और ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एक क्विक रिविज़न कर लेते हैं इसका। हमने क्या देखा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट देखा, ठीक है, सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था हमारा। उसके बाद हमें देखने को मिला 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जिसे जानते हम, ठीक है। फिर 1784 में क्या देखने को मिल जाता है,
पिट्स इंडिया एक्ट देखने को मिलता है, पिट्स इंडिया एक्ट देखने को मिलता है। 1786 में हमने कहा था लॉर्ड कार्नवालिस आए थे, जो कार्नवालिस आए थे वो अपनी कुछ शर्तों की वजह से, पूरा नहीं लिख रही हूँ आप समझ जाना, लॉर्ड कार्नवालिस आए थे, उनने कुछ शर्तें अप्लाई करी थी। उसके बाद 1773 से जो 20 सालों के बाद हमें देखने को मिला था वो क्या देखने को मिला था, ये हमारा 93 में, ठीक है, इसमें क्या बोला गया था, इसमें गवर्नर जनरल बनाए गए थे बंगाल के, बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। 1793 में क्या हुआ था, 1793 में फर्स्ट चार्टर आया था और कंपनी को 20 सालों के लिए इसको व्यापारिक मामलों को बढ़ा दिया गया था। उसके बाद क्या देखा हमने 1813 में, इसमें कंपनी का जो हमारी कंपनी थी उसके व्यापारिक मामलों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं किया गया था। इसमें इस पे चीन का और चाय का एक अधिकार अभी भी किसको था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। लेकिन 1833 में क्या देखने को मिलता है, भारत का गवर्नर जनरल देखने को मिलता है। ये जो भारत के गवर्नर जनरल हुए है ना, और इसी टाइम जो कंपनी थी उसका व्यापारिक मामलों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और इसके बाद 1853 का लास्ट चार्टर अधिनियम, जो कि फोर्थ चार्टर अधिनियम था, इसके थ्रू हमने क्या देखा कि जो हमारे इसको 20 सालों के लिए बढ़ाया नहीं गया, जो विधायी परिषद थी ना उसका, इसमें क्या देखने को मिला इम्पोर्टेंट चीज़, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके जो प्रशासनिक मामले थे और विधायिका मामले थे दोनों को अलग रखा गया। विधायिका के लिए 6 लोगों की सदस्य विधायी परिषद का गठन, और यही विधायी परिषद आगे जाके विधानसभा बनेगी और इसमें संख्या बढ़ती जाएगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था 1853 तक, ठीक है। अब इसके बाद 58 से हमें क्या देखने को मिल जाएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कार्य किया, और अब हमें क्राउन शासन देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।